नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। व्यूअर्स को कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट प्रोवाइड करने के लिए क्रिप्टो टीवी हुआ है अब 3.0 टीवी में रिब्रांड। क्रिप्टो करेंसीज, ब्लॉकचेन, मेटावर्स, नॉन फंजिबल टोकन, सिक्योरिटी और लेटेस्ट डिजिटल सेगमेंट से जुड़ी हर वेब 3 रिलेटेड खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी चैनल। तो सबसे पहले क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। जियोपॉलिटिकल तनाव के कम होने से क्रिप्टोकरेंसीज ने किया रिबाउंड, $23,000 से ऊपर रहा बिटकॉइन। नोमाड ब्रिज हैकर्स ने अटैक के बाद लौटाए $9 मिलियन। ब्रोकर रॉबिन हुड ने लगभग 1/4 वर्कफोर्स को निकाला। क्रिप्टो वीसी फर्म हैश्ड ने ल्यूना क्रैश में $3 बिलियन से ज्यादा के नुकसान को किया स्वीकार। एनएफटी एक्सचेंज मैजिक एडन इथेरियम पर हुआ एक्सपैंड। प्ले स्टूडियोज ने ब्लॉकचेन गेमिंग डिवीजन और $10 मिलियन वेब 3 फंड को किया लॉन्च। जैक डॉसी ट्वीट एनएफटी को हाल में ऑफर हुआ $400, वैल्यू में आई भारी गिरावट। डिसेंटरलाइन ने दुनिया का पहला मेटावर्स एटीएम किया लॉन्च। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। क्रिप्टो करेंसीज ने बुधवार को पॉलिटिकल तनाव के कम होने के बीच रिबाउंड किया है, जबकि बिटकॉइन को $23,000 से ऊपर ट्रेड करते हुए देखा गया। अर्ली ट्रेड्स में यूएस स्टॉक्स में S&P 500 और टेक हैवी नैसडैक ट्रेडिंग में रिस्पेक्टिवली 0.6% और 0.9% की तेजी आई। यूएस हाउस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान से प्रस्थान किया, जो कि चाइना से किसी भी मेजर एस्केलेशन के बिना हाईएस्ट रैंकिंग अमेरिकन ऑफिशियल्स द्वारा पहली यात्रा को चिन्हित करता है। हालांकि बीजिंग ने चाइना के ताइवान के पास समुद्र में सैन्य अभ्यास किया, जिससे उसका हवाई क्षेत्र ब्लॉक हो गया। इन सब के बीच बिटकॉइन को हाल ही में पिछले 24 घंटों में 2% की बढ़त के साथ अराउंड $23,400 पर ट्रेड किया, जबकि उसी समय के दौरान ETH को 4% की बढ़त के साथ अराउंड $1,640 पर देखा गया। मेजर ऑल्ट कॉइन्स में सोलाना, ब्लॉकचेन के फैंटम और स्लोप के लिंक के लिए गए वॉलेट से $8 मिलियन से ज्यादा के हैक की रिपोर्ट के बीच गेंस और लॉसेस देखे गए। क्रॉस चेन ब्रिज के $190.38 मिलियन में कॉम्प्रोमाइज किए जाने के एक दिन बाद नोमाड ब्रिज हैकर्स ने $9 मिलियन वापस भेजे हैं। अब तक $9 मिलियन को रिकवर किया जा चुका है, जो टोटल लॉस का लगभग 4.75% हिस्सा है। प्रोटोकॉल ने व्हाइट हैट हैकर्स और इथिकल रिसर्चर्स को एक ट्वीट में कैश रिटर्न करने के लिए कहा, जिससे यूजर्स को इथेरियम से अलग चेन्स जैसे EVMOS और Moonbeam में टोकन ट्रांसफर कर सके। ज्यादातर लौटाए गए फंड्स स्टेबल कॉइन्स है, जिसमें $3.78 मिलियन USDC और $2 मिलियन USDT कई एड्रेसेस से वापस भेजे जा रहे हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग ब्रोकरेज रॉबिन हुड प्लेटफॉर्म पर मंथली एक्टिव यूजर्स में स्ट्रीमलाइन कॉस्ट के बीच लागत को और ज्यादा ऑर्गेनाइज करने के लिए 780 वर्कर्स या इसके अबाउट 23% एम्प्लॉयज द्वारा वर्कर्स की संख्या में कटौती कर रहा है। ऐसे में CEO व्लाड टेनेव ने कंपनी के एम्प्लॉयज को लिखे गए लेटर में कहा, ये मुझ पर है। उन्होंने कहा कि कंपनी ने पिछले साल स्टॉक और क्रिप्टो मार्केट्स दोनों में स्ट्रॉन्ग रिटेल एंगेजमेंट जारी रखने की उम्मीद में काम किया था। ऐसे में दोनों मार्केट्स में गिरावट के साथ वे एजम्पशंस गलत साबित हुई है। इस साल कंपनी द्वारा की जा रही कटौती का यह दूसरा दौर है। इसने पहले अपने वर्कफोर्स की संख्या का 9% कटौती की थी। इस बीच न्यूयॉर्क स्टेट के फाइनेंशियल रेगुलेटर ने कल रॉबिन हुड मार्केट्स INC की क्रिप्टोकरेंसी आर्म को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर सिक्योरिटी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स के कथित उल्लंघन के लिए $30 मिलियन का जुर्माना लगाया है। क्रिप्टो वेंचर कैपिटल फर्म हैश्ड के CEO और मैनेजिंग पार्टनर साइमन सीजोन किम ने टेलीविजन चैनल पर दिए अपने एक इंटरव्यू में पहली बार टेरा इकोसिस्टम के ल्यूना टोकन में हुए $3 बिलियन से ज्यादा के नुकसान को स्वीकार किया है। किम ने कहा कि हैश्ड ने प्रोजेक्ट के शुरुआती दिनों में 30 मिलियन ल्यूना टोकन एक्वायर किए थे। अप्रैल के शुरुआत में टोकन की कीमत $3.6 बिलियन तक पहुंच गई थी। ये पहली बार है जब हैश्ड ने ल्यूना क्रैश में अपने नुकसान की आधिकारिक पुष्टि की है। टेरा के अल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन टेरा USD की प्राइस 7 मई को $ के मुकाबले खो गई, जिसके कारण USD की सिस्टर टोकन ल्यूना को क्रैश का सामना करना पड़ा।
इस तरह से एक ही झटके में टेरा ने $40 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टर वेल्थ गवा दिया। नॉन फंजिबल टोकन यानी NFT मार्केट प्लेस मैजिक ईडन एक टर्निंग मल्टी चेन है जिसमें इथेरियम बेस NFTs को 2 अगस्त को अपने प्रीवियसली सोलाना ओनली प्लेटफॉर्म में शामिल किया गया है। ऐसे में मार्केट प्लेस ने कहा कि इथेरियम NFT डेवलपर्स को सोलाना यूजर्स की तरह गो टू मार्केट बेनिफिट्स हासिल होंगे, जैसे कि इसके पॉपुलर मिंटिंग टूल किट, व्हाइट लिस्टिंग टूल्स, मार्केटिंग हेल्प है। अपने खुद के क्रॉस चेन मॉनिटरिंग डैशबोर्ड के साथ कंपनी एक क्रॉस करेंसी ट्रेडिंग प्रोडक्ट डेवलप कर रही है जो कस्टमर्स को इथेरियम और सोलाना NFT दोनों को ब्लॉकचेन की नेटिव करेंसी में खरीदने की अनुमति देगा। मैजिक ईडन ने जून के अंत में $1.6 बिलियन के वैल्यूएशन पर $130 मिलियन की सीरीज ए जुटाई, जो जुलाई 2021 में रेज किए गए $1.5 बिलियन के वैल्यूएशन पर ओपन सी के 100 मिलियन सीरीज बी के बराबर थी। प्ले स्टूडियोज पब्लिकली ट्रेड करने वाला मोबाइल गेमिंग प्लेटफॉर्म और डेवलपर है जो एक नए ब्लॉकचेन डिवीजन और इन्वेस्टमेंट फंड के साथ Web3 की दुनिया में इंटर करने जा रहा है। गेमिंग एंटिटी जो टेट्रिस जैसे पॉपुलर मोबाइल ऐप्स का ओनर है, अब वो एक नया ब्लॉकचेन फोकस सेक्टर लॉन्च कर रहा है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का फायदा उठाने के लिए रिवॉर्डेड प्ले का इस्तेमाल करेगी और अपने गेम के पोर्टफोलियो में यूजर्स को और ज़्यादा रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंसेस डिलीवर करेगी। इसने रिवॉर्डेड प्ले ऑप्शंस को बिल्ड करने वाली कंपनीज को सपोर्ट देने के लिए $10 मिलियन के इन्वेस्टमेंट फ्यूचर फंड की भी घोषणा की है। ऐसे में वंडर ब्लॉक गेम्स के लिए ब्लॉकचेन बेस्ड लॉयल्टी प्लेटफॉर्म के एक्विजिशन के साथ साथ ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर गेमिंग डेवलपर फोर्ट के साथ एक स्ट्रेटेजिक अलायंस पर नया डिवीजन बनाया जाएगा। जैक डॉर्सी ने जिस NFT ट्वीट को मार्च 2021 में स्टावी को 1630 ईथर यानी $2.91 मिलियन में बेचा था, उसकी वैल्यू में अब गिरावट आई है। पीस ऑफ हिस्ट्री के लिए लेटेस्ट बिड्स 0.24 ETH पर आई है जिसकी कीमत लगभग $400 है। ऐसे में इस साल की शुरुआत में स्टावी ने BBC को बताया कि वो NFT को कभी भी नहीं बेच सकते हैं और पिछले साल इसे खरीदने पर उन्होंने इसकी तुलना मोना लिसा से की थी। पॉपुलर मेटावर्स प्लेटफॉर्म डिसेंटरलाइन ने दुनिया का पहला मेटावर्स ATM लॉन्च करने की घोषणा की है। डिसेंटरलाइन ने ट्रांसैक एक पेमेंट गेटवे और मेटावर्स आर्किटेक्ट्स स्टूडियोज के साथ हाथ मिलाया है ताकि यूजर्स आसानी से किसी भी क्रिप्टोकरेंसीज को खरीद सके। डेवलपर्स के मुताबिक ATM को यूजर एक्सपीरियंसेस को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ATM कैसे ऑपरेट होगा और आपकी प्रॉपर्टी पर ATM कैसे डिप्लॉय किया जाए, इस बारे में ज्यादा जानकारी आज बाद में एक पब्लिक कॉन्फ्रेंस में अवेलेबल होगी। एडिशनली बैंक भी मेटावर्स की कंसेप्ट में शामिल हो रहे हैं। JP Morgan ने 2022 की बिगनिंग में डिसेंटरलाइन पर अपना पहला मेटावर्स लॉन्च किया है। दुनिया के लीडिंग बैंक HSBC और वर्चुअल गेमिंग प्लेटफॉर्म द सैंडबॉक्स ने आगे साझेदारी की घोषणा की थी। तो आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए 3.0 TV के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।